अपने XML सरदार रणजीत सिंह ढिल्लों ते उन्हां दे नाल श्री विजय दानव जी ते होर अपने अकाली दल बादल ग्रुप दे बंदे सीगे 10-15 ए ते उह अपने कोई प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे सीगे उहदे अकॉर्डिंगली असी रिपोर्ट बना के भेज रहे हां। जो भी जे इन्हां ने कोई जिहड़ी COVID-19 रिगार्डिंग कोई गैदरिंग दी जो भी इंस्ट्रक्शन आई ने जो उन्होंने वायलेट किया तो असी जो भी एक्शन बनता वो जरूर करा। हाँ बिल्कुल, जो होगा तो बाई नेम ही होगा। थैंक यू। आज हमने लुधियाना के SC विंग श्रोमणी अकाली दल ने एक छोटा सा मुजाहरा किया है। कोविड की वजह से हमने ज़्यादा इकट्ठ नहीं किया, इसके वजह आप सब जानते हो कि पिछले दिन ही जो समाज भलाई के मंत्री हैं साधु सिंह जी धर्मसोत, उन्होंने अपने ही महकमे में जो उनकी जिम्मेवारी तो लगी थी सरकार की तरफ से भी SC भाईचारे के बच्चों की फीसें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती हैं उनको सही तरीके से कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में जाए ताँ जो बच्चे पढ़ाई कर सकें, पर इसने क्या किया भी वो बच्चों की फीस ही खा गया, इसी के सेक्रेटरी ने खुलासा किया। तो इसलिए हम तो ये मांग कर रहे हैं पंजाब सरकार से भी उसको हटाया जाए, जाँच करानी है करा ले दोबारा कोई बात नहीं, लेकिन उसको पहले मैं अहदे से हटाया जाए। अगर वो अहदे पर बैठा है उसको रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा, वो जो भी जांच अधिकारी है उसको कौन कोऑपरेट करेगा। इसलिए जितना देर उसको हटाते नहीं उतना देर निरपेक्ष जांच नहीं हो सकती, ये हमारी मांग है। और हमारी पार्टी जो आने वाले दिनों में फैसला करेगी, जो भी हमको प्रोग्राम देगी हम उस प्रोग्राम के अनुसार करेंगे। आज तो हमने सिर्फ संकेतक तौर पर मुजाहरा किया है भी उस मंत्री के खिलाफ जिसकी जिम्मेवारी ऐसी लोगों को ऊँचा उठाने की थी, वो उनको नीमा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बात देखो, हर बात केंद्र गवर्नमेंट ने अपने आप नहीं कर सकती, गवर्नमेंट समय आने पर एक्शन ले सकती है, लेकिन आज जो जिम्मेवारी है पंजाब सरकार की है, जो उन्होंने 300-400 करोड़ रुपया पंजाब के SC भाईचारे के लोगों के लिए भेजा है उसको सही तरीके से खर्चना है पंजाब गवर्नमेंट ने। अगर पंजाब गवर्नमेंट सही तरीके से खर्च के रिपोर्ट नहीं करेगी वापस तो वो कार्रवाई कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले जो खुलासा हुआ है वो खुलासे के अनुसार 64 करोड़ रुपया ये साधु सिंह जी धर्मसोत, जिनको साधु सिंह का नाम दिया है लेकिन काम डाकुओं वाले हैं, उसने खाया है, उस पर कार्रवाई की हम मांग करते हैं।